अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियाज वर्ल्ड। आज हम एक पुराने कैचर को न्यू कैचर में तब्दील करेंगे। ये मेरी बेटी का कैचर टूट गया था, इसको हम एक खूबसूरत कैचर में तब्दील करेंगे। हम देखेंगे कि ये किस तरह बनेगा एक बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश कैचर। इसके लिए हमें चाहिए रिबन। ये रिबन आप मुख्तलिफ कलर्स का ले सकते हैं। मेरे पास मुख्तलिफ कलर्स के ये टुकड़े बचे हुए थे जो कि मैंने लिए हैं। बीड्स चाहिए, ग्लू गन चाहिए, कैंची, लाइटर, नलकी और ये वेलवेट का पीस जो कि ये एजस पे लगाने के लिए है, इसकी फिनिशिंग लुक देने के लिए। ये डोरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रिबन के 5 पीसेस इसके करने हैं, जो कि हमने 1 इंच का पीस लेना है और उसके 5 पीसेस आगे से 1-1 इंच के हमने बनाने हैं। हमने फूल बनाना है रिबन से कैचर के ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए, ये 1 इंच का पीस हमने काट लेना है। ये हम इस तरह इक्वल निशान लगा के टोटल इसके 5 पीसेस हम काट लेंगे। ये इसके 5 पीसेस मैंने काट लिए। अब हम इसका फूल बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हम एक पीस लेके लाइटर से हम इसके कॉर्नर जो हैं वो लॉक लगा लेंगे। हल्का हल्का हम इसको लाइटर से इस तरह करके लॉक लगा लेंगे ताकि ये फिर रिबन के धागे ना निकलें। जितने भी हमने ये फूल बनाने हैं सबके जो पीसेस हैं उन पे इसी तरह लाइटर से हम लॉक लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से ये करना है ताकि हमारा रिबन जले ना। सिर्फ इसके जो धागे ये हल्के हल्के से निकले हुए होते हैं यही लाइटर से यानी वो लॉक सा लग जाए, धागे मजीद नहीं निकलेंगे। फिर हम ये इस तरह एक कॉर्नर से पकड़ के रिबन को ये देखें इस तरह दूसरे कॉर्नर के साथ हमने बाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करके ट्रायंगल बना लेना है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्लियर, यहाँ पे स्टिच लगा के। ये देखें, ये इस तरह ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह हमने ये सारे जो हैं कंप्लीट कर लेने हैं। जहां एक्स्ट्रा पीस हमें लगे वहां से काट दें और ये सारे पीसेस इसी तरह हमने तैयार कर लेने।
इसी तरह हमने ये पांचों पीसेस तैयार कर लेने। बहुत आसान है ये फ्लावर बनाना। बिल्कुल एंड पे हमने ये इस तरह स्टिच लगा लेने ट्रायंगल बना के, तो हमने ये स्टिच कर लेना है। चलो इस तरह। ये हमारे पांचों पीसेस तैयार हैं। अब हमने धागे को पकड़ के खींच लेना है और आपस में दोनों सिरों को मिला के गिरा लगा देनी है। टाइट सी हमने गिरा लगानी है। गिरा लगा के हमने फिर इस फूल को सेट करना है। ये हमने सुई साइड पे कर दी सुई धागा। अब हम इसको करेंगे सेट। इसके जो कॉर्नर हैं ट्रायंगल जो बने थे, ट्रायंगल के जो कॉर्नर हैं उनको हम सेट करेंगे अच्छी तरीके से। फालतू जो कपड़ा होगा वो हम काट देंगे पीछे से। उल्टी साइड पे ये होगा फ्लावर के, इसको हम काट देंगे। इसको सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा फूल हो गया तैयार। ये देख लें। अब हम इसके ऊपर ये इस तरह बीट ये वाला लगा लेंगे ग्लू गन के साथ, और इसकी बैक साइड पे हम फ्यूजिंग हो गई या वैसे कोई पेपर पेस्टिंग हो गई वो हम लेके उसका एक छोटा सा पीस हम उसके बैक साइड पे लगाएंगे, जिससे एक फिनिशिंग आ जाएगी फूल में। ये देखें, ये मेरे पास वेस्ट पेपर था पड़ा हुआ, ये मैं एक छोटा सा बिल्कुल पीस लेके राउंड शेप में मैंने काटा और इसको ग्लू गन की मदद से फूल के एंड उल्टी साइड पे मैं चिपकाने लगी। इससे कैचर के ऊपर भी चिपकाने में फूल हमें आसानी रहेगी। ये सेंटर में ग्लू गन लगा के हल्का सा डॉट, और ये ऊपर मैंने नग लगा दिए। ये हमारा फूल रेडी हो गया। इस तरह के हमने 9 फूल तैयार करने हैं। मैं अभी आपको फोकस करके दिखाती हूँ, ये आप देख लें। ये इस तरह 9 फूल हमने तैयार कर लिए हैं। मैंने पहले से करके रखे हुए हैं, मैं आपको अब दिखाती हूँ मजीद। ये देखिए रंग बिरंगे मुख्तलिफ रिबन्स के हैं। ये उनके एंड पे मैंने इस तरह फ्यूजिंग लगा दी, सबके एंड पे लगाई है। और ये बचे हुए थे मेरे पास मुख्तलिफ, कोई रेड कलर का था ना कोई गोल्डन कलर का था, वो मैंने लगा लिया। अब ये कैचर के ऊपर ये है डोरी, बारीक डोरी, इसको हम ऊपर चिपकाएंगे। ग्लू गन हम लगाते जाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे। हम इसको थोड़ी थोड़ी ग्लू गन हमने एंड से थोड़ी सी वो छोड़ देनी है जगह, वहां पे हमने वेलवेट का पीस लगाना है तकरीबन हाफ इंच जगह। ये आगे इस तरह हमने ग्लू गन लगाए जाना है। ये और ये डोरी को ऊपर चिपकाते जाना है। आपके पास अगर रिबन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तो आप इसके ऊपर रिबन को भी लपेट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
इस तरह हम चिपकाते जाएंगे, इसको पेस्ट करते जाएंगे। ये ग्लू गन हाथों के साथ भी चिपक जाती है। ये सारी हमने लगा के उसके बाद हम इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। ग्लू गन जो एक्स्ट्रा लगी होती है वो कैंची से काट लें या वैसे आप हाथों से उतार लें। बारीक बारीक सी वो तार सी बन जाती हैं जब हम ग्लू गन साइड पे करते हैं तो, या हमारे हाथ के साथ अगर चिपकी हुई हो तो वो हम एंड पे साफ कर लेंगे। ये देखें, ये बारीक बारीक तारें सी बन जाती हैं। ये इस तरह हम लगाते जाएंगे। ये चिपका दी ऊपर। ये हमारी अब डोरी जो ऊपर लगने का काम था वो हो गया कंप्लीट। अब हम इसके एजेस पे लगाएंगे वेलवेट का पीस, क्योंकि हमने कैचर को पहले एक फाइनल लुक देनी है, उसके बाद उसके ऊपर फूल हमने लगाने हैं। पहले हमने कैचर को बिल्कुल रेडी कर लेना। ये देखें, फिनिशिंग कर लेंगे हम। ग्लू गन जो एक्स्ट्रा लगी हुई होती है वो हम उतार लेंगे। अब हम ये वेलवेट के पीस को ये इस तरह हम एंड पे लगा लेंगे। ये भी ग्लू गन के साथ ही लग जाएगा, आसानी से ये चिपक जाता है। ये देखें, ये छोटा सा हमने पीस ले लेना है, दोनों तरफ इस तरह हमने लगा लेना है। ये स्टार्ट में पहले हमने थोड़ी सी ग्लू गन लगानी है इस तरह, और इसको इसके ऊपर लपेट के इस तरह हमने लपेट लेना है, और एंड पे भी ग्लू गन के साथ इसको चिपका के लॉक लगा देना है। ये आपको भी मैं दिखा, ये इस तरह हमने ये ग्लू गन लगाई। ये हमने इस तरह, इसी तरह हमने दूसरा भी, दूसरी साइड भी जो इसकी है उसको तैयार कर लेना है। ये मैंने कर लिया। अब आ रहा है इसकी फाइनल लुक, जो कि है ऊपर फूल चिपकाने की। सबसे पहले हम सेंटर में एक डॉट लगाएंगे ग्लू गन का। और इसके साथ ही हमने मुख्तलिफ कलर्स के फूल लगाते जाना है। और एंड से तकरीबन 3 इंच की जगह मेरे ख्याल में बचेगी, 3 इंच ही बनती है। वहाँ हमने ये जो राउंड बीड्स हैं वाइट कलर के, ये हमने लगा देने हैं। इस तरह एक एक करके पहले हमने फूल लगाना है। सेंटर से हमने शुरू करना है, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड पे हमने करके। ये देखिए, ये एक साइड इसकी तैयार हो गई है। अब ये जो बाकी बची हुई साइड है, ये वाली, यहाँ हम ये वाइट कलर के बीड्स लगा देंगे और इस तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। ये ग्लू गन लगा के हमने इसको तैयार कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।